रही हूँ। आज मैं रेस्टोरेंट के स्टाइल का पालक पनीर बना रही हूँ। ये बहुत इजी रेसिपी है। इसे बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एकदम फ्री है। यहाँ मैं बहुत आसान विधि से आपको खाना बनाना सिखाती हूँ। पालक पनीर बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि पालक का रंग बहुत अच्छा हरा रहे और पनीर सॉफ्ट रहे, ग्रेवी का टेस्ट स्मूथ कैसे बनाया जाता है रेस्टोरेंट में, इसी सब बातों का ध्यान रख के पालक पनीर बनाया जाता है। यही सब चीजें, टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे देखने के लिए आप एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि रेस्टोरेंट वाला टेस्ट घर पे लाने के लिए हमें किस तरह से पालक पनीर बनाना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करिए और शेयर करिए। कोई और आपके क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिए दोस्तों, मैं आपको जरूर बताऊंगी। चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ रेस्टोरेंट। यहाँ मैं ले रही हूँ एक गड्ढी पालक, ये 250 ग्राम पालक है। इसे अच्छे से धो के साफ़ करा हुआ है। इसे हमें प्रेशर कुक करना है, तो हम इसमें पानी डालेंगे और कुकर की सीटी लगा देंगे। 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही कुकर का प्रेशर खत्म होगा, इसे छान लेंगे और इसका पानी हटा के, गर्म पानी हटा के हम इसे ठंडे पानी से धो के एकदम ठंडा कर लेंगे, जिससे पालक का हरा रंग बरकरार रहेगा। और इसको पीस के एकदम स्मूथ प्यूरी बना लेंगे, जिसे हम बाद में मसाले में डालेंगे। अब मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल को एकदम तेज़ आंच पे आप गरम करिए। फिर उसके बाद आप फ्लेम थोड़ी लो मीडियम कर दीजिए। और इसमें अब हम डालने वाले हैं जीरा, और मैंने काट के रखी है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्चें, इन्हें डालूंगी। और मैं डाल रही हूँ 3-4 कली लहसुन की। ये सब आप इसी तरह बड़ा बड़ा काट के रखिए, जिससे आपके चॉपिंग का टाइम बच जाएगा और जल्दी जल्दी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और आप इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा पका लीजिए। फिर इसमें टमाटर डालिए, ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और इन्हें भी हम चलाते हुए इसी तरह थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इन्हें फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लगे हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे तो सब्ज़ियाँ और जल्दी गल जाएंगी। ये जब हम इस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल में भी जब हम इस तरह पनीर बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ग्रेवी बहुत स्मूथ और सिल्की हो जाती है। जैसे ही पक जाएगा टमाटर, मैं इसे एक ग्राइंडर में स्मूथ प्यूरी बना लूँगी। अब मैं जो पनीर के टुकड़े हैं उन्हें लाइट गोल्डन कलर से फ्राई कर रही हूँ। देखिए, अगर आपको पनीर वैसे ही कच्चा अच्छा लगता है तो आप इस स्टेप को आप स्किप कर सकती हैं। अब फिर से मैं अपना पुराना वाला कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें 1 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। इस तेल को हम अच्छे से पहले गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें 1 पिंच जीरा डालेंगे और जो स्मूथ पेस्ट हमने अनियन और टमेटो का बना के रखा है वो भी डाल देंगे। इसे लो मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से चलाते हुए 5 मिनट तक पकाएंगे। आप 3 से 4 मिनट भी पका सकते हैं। जैसे ये पेस्ट अच्छे से सेटल हो जाएगा, मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालूंगी। और इसमें थोड़ा पानी डाल के इस मसाले को अच्छे से पकने देंगे, जिससे कि ये एकदम तेल छोड़ने लगे। मसाला बहुत अच्छा एकदम स्मूथ दिख रहा है। होटल जैसी ग्रेवी के लिए इसी तरह का मसाला सबसे अच्छा होता है। और इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार से, थोड़ा सा कम, क्योंकि बाद में मुझे एक मैजिक सॉल्ट भी डालना है, जिससे कि आपकी ग्रेवी बहुत यमी और टेस्टी हो जाएगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पालक की प्यूरी और इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। और पालक की प्यूरी डालने के साथ ही मैं इसमें पानी जितना भी मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए वो भी डाल दूंगी। मैं यहाँ पे 1 से 1.5 कप पानी डाल रही हूँ, जिससे कि ग्रेवी की स्मूथनेस या थिकनेस मुझे जितनी चाहिए उस हिसाब से है ये। देखिए, ग्रेवी कितनी अच्छी हरी दिख रही है, क्योंकि हमने पालक को ठंडे पानी से धोया है। अब इसके बाद जैसे ही ये ग्रेवी 5 मिनट पक जाएगी, मैं इसमें पनीर के टुकड़े डालूंगी। और मेरा मैजिक इंग्रेडिएंट है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। आप भी थोड़ा सा जो नमक है शुरू में कम डालिए, बाद में आप इसमें थोड़ा काला नमक डालेंगे तो बहुत चटपटा रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देगा। इसी तरह से आप बनाइए। और जैसे ही ये पक जाएगी 5 मिनट और, इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। फिर हम गर्मा गर्म पालक पनीर को सर्व करेंगे। आप इसे रोटी, पराठे, चावल जिसके साथ खाना चाहते हैं खाइए, बहुत यमी टेस्टी है। इस रेसिपी को ज़रूर बताएं कमेंट करके मुझे कैसी लगी। अगली बार फिर एक नई रेसिपी लिख के मैं आपसे मिलती हूँ। टिल देन एन्जॉय कुकिंग। बाय बाय।